काव्या, काव्या, ये सब क्या है? तुम्हारे भैया तुम्हारी शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं और तुम घर से भागती रहती हो। ये चौथी बार था। भाभी, पहले ही कह चुकी हूँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। आप जब भी रिश्ता देखेंगी मैं भाग जाऊंगी। तुम दोनों भाई बहन के बीच में मैं फंस गई हूँ। अच्छा, वैसे वो है कहाँ? तुम्हारे भैया आते ही होंगे, जाकर तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। हाँ, फिर से तुमने किसी को बुलाया? ए, चल भाग जा, सर को पता चलेगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। सुन, तेरे भाई के बोलने पर इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, चल भाग, निकल यहाँ से। चल जा। पुलिस वालों को मार कर भाग रहा था, इसीलिए एनकाउंटर करना पड़ा है ऐसी फाइल। जजमान, लड़की का नाम काव्या है, बहुत अच्छी लड़की है। और उसकी क्या तारीफ करूं, एक सांसारिक लड़की के सारे गुण उसके अंदर है। इनसे मिलिए, ये इनकी पत्नी है। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते बहन जी, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। इनके बारे में कुछ नहीं, मैं शहर का बारे में क्या कहूँ, पूरा शहर मेरे नाम से कांपता है। जो प्यार करेगा फिर धोखा देगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए ही मैं एनकाउंटर करता हूँ। प्यार के नाम पर जो लड़की को धोखा देगा उसे मैं मार दूंगा। अरे टीवी वाले ऐसे दिखाते रहते हैं, टीवी देख करके डरिए मत, ये प्रोफेशन में सीरियस हैं। इसके अलावा एकदम फैमिली मैन, सही कहा ना? ठीक है, जरा लड़की को बुलाइए, बहन को बुलाइए। काव्या, काव्या, ये क्या है पंडित जी? आप में से दूल्हा कौन है? ए, तू बैठ जा। ये क्या है पंडित जी? हाँ? आपने तो कहा था कि लड़की संस्कारी है, ये तो टॉवल में ही आ गई। लड़की मॉरल वाली है, इसलिए मॉडर्न कपड़े पहनती है। हाँ, मुझे पसंद है डैडी। बेवकूफ, अभी तो हम इसे सिर्फ देखने आए और ये टॉवल में ही आ गई, कल पता नहीं क्या क्या रंग दिखाएगी। हमें हाँ? ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं चाहिए। सुनिए सुनिए, बैठिए तो, कल जरा घर पे आइएगा, मैं बात करता हूँ आपसे। चल सन्नी के लिए लड़का ढूंढकर शादी करवा सकता हूँ, मगर आपकी बहन के लिए माफ कीजिएगा मुझे, धन्यवाद। अरे सुनिए तो, ये क्या कर दिया तूने? माँ नहीं है इसलिए इसे कुछ बोलती नहीं हूँ। आप रिश्ते ढूंढते हैं और ये तोड़ देती है, फिर भी आप रिश्ते लाते ही रहते हैं, ऐसा कब तक चलेगा? लोगों के लिए चाय बनाते बनाते मैं भी थक गई। ये क्या, तूने फिल्म कहा था, यहाँ कहाँ ले आई? एसीपी की बहन हो और इलेक्ट्रिक बिल भरोगी? हाँ, तुम्हें पता है ना भैया कितने स्ट्रिक्ट हैं, बिना बहाना बनाए भाभी घर से बाहर नहीं आने देंगी, इसीलिए ये रीजन देकर आई हूँ। इस तरह तो फिल्म मिस हो जाएगी। हम टाइम पर पहुँचेंगे। हाय, तुम? अरे यार मैं हूँ, तुम्हें याद नहीं आ रहा? उस दिन हम लोग शादी में मिले थे, अब कुछ याद आया? यस यस, याद आया। तुम्हारे डांस ने तो शादी में चार चांद लगा दिया था। तुम जैसी लड़की ने तारीफ की तो जरूर कुछ काम होगा। अच्छा, तुम समझ गए? बता दो क्या काम है। मेरा बिल भरोगे? हाँ, जरूर। मैं सुबह से आकर लाइन में खड़ा हुआ हूँ, तुम बीच में आकर बिल भरने को बोल रही हो, कैसे चलेगा? हेलो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? हम लोग कॉफी साथ में पीते हैं, शॉपिंग साथ में करते हैं और बिल भी साथ में भरते हैं। आप समझ में आया, मुझे क्या पता था ये बॉयफ्रेंड है। भर लो बेटी भर लो, हमारी किस्मत खराब है। बिल? श्योर, ओके। बाप रे, बहुत ही डेंजर है। आपके उस एनकाउंटर के बाद हर लड़का लड़की इस शहर में एक दूसरे से मिलने से डर रहे हैं सर। बिल, थैंक यू। सॉरी, उन लोगों के सामने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड कह दिया। इट्स ओके, बाय, सी यू। एक्सक्यूज मी, कैश? मैं तो भूल ही गई। मुझे याद है। या, थैंक यू। इफ यू डोंट माइंड,
Can I take a selfie with you? Oh, it's okay. जरूर ले सकते हैं. One second. Gogs. Come. Yes. काव्या को किसी लड़के के साथ इतना क्लोज होते हुए मैंने पहले कभी नहीं देखा. नाइस मीटिंग यू. बाय. ओके बाय. हाय. तुमसे मुझे कुछ बात करनी है. चलो. कौन है आप लोग? ए सर, कौन है पता नहीं है क्या? कोई भी हो मुझे उसे क्या. हाय वेंकट, डिस्कशन नहीं करना है, मुझे रिजल्ट चाहिए. सर सर सर, मेरी बात सुनिए सर. क्यों रे, तू उसे लव करता है क्या? लव? और मैं? सर उस लड़की से प्यार करना तो दूर, मैंने तो उसे फूल भी नहीं दिया सर. सर सच में सर, आपकी कसम, मेरा यकीन कीजिए सर. ये तेरे लिए लास्ट वार्निंग है. अगली बार अगर तुझे उस लड़की के साथ देखा तो बातचीत नहीं करूंगा, सीधा शूट कर दूंगा. छोड़ दो इसे. ओके सर. ये क्या हो रहा है बाबा? ट्रैफिक के सिग्नल की तरह ये हर जगह मुझे नजर आने लग गई है. उस दिन इसी लड़की की वजह से मुझे मार पड़ी थी. अब इससे बताता हूँ. सर वो मॉल के थर्ड फ्लोर पर है. शो मी दीज. हेलो 1240. ए 1240 क्या है? आपका नाम नहीं पता ना, इसलिए पेमेंट के आंकड़े से बुलाया. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शॉपिंग करने आए हो? शॉपिंग करने नहीं. हाँ तुम्हारे लिए आया हूँ. मेरे लिए आए हो? हाँ. क्यों फॉलो कर रहे हो? ओहो फॉलो मैं तुम्हारा नहीं बल्कि तुम मेरा कर रही हो. उस सेल्फी की वजह से मैं एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन गया हूँ. वो कैसे? बताता हूँ. तुम्हारी फैमिली में या तुम्हारे रिलेटिव में कोई बंदा पुलिस वाला है क्या? ड्रिंक एंड ड्राइव केस में तुम्हारी गाड़ी फंसी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट कैजुअली पूछ रहा हूँ मैं. हाँ, एसीपी गौतम कृष्णा मेरे भाई हैं. एसीपी गौतम कृष्णा तुम्हारा भाई है? तुम्हारे भाई से मिलने के लिए आया हूँ. ये बैग लेकर तुम कहाँ जा रही हो? ओह अपने घर से भाग रही हो क्या? नहीं नहीं हाँ. जॉगिंग करने जा रही थी. वैसे जॉगिंग के लिए बैग की क्या जरूरत है? सब पता कर लिया. अब बताओ तुम यहाँ कैसे? तुम्हारा भाई हम दोनों को लवर समझकर मुझे खत्म करना चाहता है. मैं तुम्हारे साथ? यस. मुझे लव से नफरत है. मुझे भी नफरत है. ज्यादा टेंशन नहीं है. एक बार तुम अपने भाई को जाके बस इतना बोल दो कि हम दोनों के बीच में प्यार व्यार कुछ नहीं, उसके बाद तुम सरहद के पार चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता. ऐसे क्यों भाग रही हो? अपने भाई को बता कर भागो ना. अपने भैया को बता पाती तो इस तरह दीवार फांद कर क्यों जाती मैं? तुम मेरा रास्ता छोड़. रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ. अगर तुम चली गई तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगा. प्लीज सी, तुम्हारे चक्कर में मैं प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहती. अरे सुनो तो, एसीपी साहब आपकी बहन भाग रही है. आपकी बहन का और मेरा कोई रिश्ता नहीं है. अरे सुनो तो. हेलो सर. मेरा शक सही निकला, वो मेरी बहन को भगा कर ले जा रहा है. शहर में नाकाबंदी कर दो, वो इस शहर से बाहर नहीं निकलने चाहिए. ओके सर. हे ऑटो ऑटो ऑटो, चलो सर चलो चलो. ए ए ए तुम इस शिक्षा में क्यों बैठ गए? अगर मैंने तुम्हें फॉलो नहीं किया ना तो तुम्हारा भाई मुझे फॉलो करेगा. सुनो ना, अपने भाई को एक बार बोल दो ना. अरे ओ भाई साहब, कोई भी बहन अपने भाई को बताकर लवर के साथ भागेगी क्या? ए, हम लवर से ये तुझे किसने बताया? किसी को बताने की क्या जरूरत है? बच्चे बैग लेकर निकलते हैं स्कूल के लिए, आप जैसे लोग निकलते हैं तो भागने के लिए, ये तो पता चल ही जाता है. मैंने तो बहुत देखे हैं, जब मेरे पैसेंजर मुसीबत में होते हैं ना तो मैं उन्हें बीच राह में नहीं छोड़ता. एक फोन पे रिक्शा वाले जमा हो जाएंगे. बस बताओ मुझे क्या करना है. काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन चलो. बस इतना ही? ए, तुम लोग पीछे की तरफ देखो. हेलो सर. कहाँ हो तुम लोग? हम लोग अभी रेलवे स्टेशन पे है सर. कुछ भी हो जाए वो लोग बचने नहीं चाहिए. हर जगह अच्छी तरह चेक करो. डन सर. ए, चलो. शहर का कोना कोना छान मारो. पुलिस यहाँ पर क्यों है?
वो तो हर रेलवे स्टेशन पे होती है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। भाई को पता चलने से पहले मैं यहाँ से भाग गई होती। एसीपीजी क्यों चिल्ला रहे थे? भैया ने लगता है सब पुलिस वालों को अलर्ट कर दिया। भैया जी नागपल्ली चलो। तुम नागपल्ली जाओ या फिर लिंगापल्ली जाओ, तुम्हारे भाई का नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग है, कहीं भी जाओ मिल जाएगा। अब तो तुम्हारी खैर नहीं। ए, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें सिटी से बाहर ले जाने का जिम्मा मेरा है, लेकिन एक कंडीशन है। वो क्या है? शहर से बाहर जाने के बाद तुम अपने भाई को फोन करोगी और उससे कहोगी कि हम दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। डील ओके ना? ओके। ऑटो हाँ भाई, यू टर्न लो। लेता हूँ। हेलो काव्या, निकल गई हो ना? हाँ निकल गई। रिजर्वेशन करवाया कि नहीं? रिजर्वेशन करवा कर आने के लिए मैं कोई शादी में जा रही हूँ क्या? मैं भाग कर आ रही हूँ। ठीक है, जल्दी से आ जा, मैं तेरा ही वेट कर रही हूँ। ओके बाय।